नमस्कार किचन सेफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम झींगा और चने की दाल से बड़ी ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे जो बड़े और बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों आज हम नेनुआ और चने दाल की सब्जी बनाएंगे। ये बड़े ही कम टाइम में बड़े कम मसालों से बड़ी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो ये वही दाल है जो हमें मार्केट में मिल जाती है बड़ी ही आसानी से। तो इस दाल को हमने पहले ही 1 घंटा पहले भिंगो कर रख दिया था। अब ये दाल फूल गया है, इसे हम छान लेंगे धोकर अच्छी तरह से। पहले हम आप लोगों को इसे पतला पतला नेनुआ को पतला पतला छील कर दिखाते हैं। इस तरह से इसे हम पतले पतले छील लेंगे, बड़ी ही आसानी से ये छिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे नेनुआ को छील कर अच्छी तरह से धोकर रख लिया है और ये दाल है इसे भी हम धोकर एक प्लेट में रख लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा दाल भी इसमें डाल सकते हैं। 2 प्याज है इसे भी हम छील लिए हैं, बारीक बारीक इसे हम काट लेंगे। पहले हम नेनुआ को काट रहे हैं, इस तरह से हमें इसे गोल 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 काटना है। इस तरह से आराम आराम से इस तरह से काट लेना है। आप देख रहे हैं दोस्तों इसे। तो देखिए दोस्तों, ये सारे नेनुआ को हम काट लिए हैं इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में, और ये प्याज है इस तरह से बारीक बारीक काट लिए हैं। 2-4 लहसुन की कलियां हैं, 2 हरी मिर्चें हैं। अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, कढ़ाई को हम रख लिए हैं। अब हम गैस ऑन कर देते हैं। गैस ऑन कर लिया है हमने, अब कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखिए दोस्तों, मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें तेल डालेंगे। इसमें हम बहुत कम तेल और मसाला यूज करेंगे और बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार होगी। अब तेल मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें हम पहले नेनुआ को भूनकर निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे नेनुआ इसमें डाल देंगे। हम इसे ढक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे हम बीच में चेक कर लेते हैं। हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, इससे ये जल्दी गल जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी ये नेनुआ गल रहा है। गांव घरों में कुछ लोग इसे झींगा भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे नेनुआ के नाम से जानते हैं। हर लोगों को ये पसंद नहीं होता है, लेकिन जिस लोगों को ये पसंद होता है उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और जिन लोगों को ये पसंद नहीं होता है वो भी ये सब्जी बहुत ही प्रेम से खाएंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फिर से ढक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये नेनुआ मेरा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने गैस बंद कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये नेनुआ मेरा भून गया है और हम इसे निकाल लिए हैं। अब हम कुकर में इसकी सब्जी बनाएंगे। अब हम चूल्हे पर कुकर रख दिए हैं। आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा कुकर है। हम 4 लोगों के लिए सब्जी बना रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा सब्जी बना रहे हैं। अब ये कुकर गर्म हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये कुकर गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं।
अब ये तेल को गर्म होने देते हैं। ये तेल अब गर्म हो गया है, इसमें हम चुटकी भर हींग डाल देते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं, दो लाल सूखी मिर्च, अब ये जीरा भून गया है, अब ये प्याज डाल देते हैं, ये दो चार कलियां लहसुन की है इसे भी डाल देते हैं, दो हरी मिर्चें हैं इसे भी डाल देते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेते हैं और इसको हम गुलाबी होने तक भूनेंगे। दोस्तों ये मेरा प्याज अब भून गया है, लहसुन हरी मिर्च सारी चीजें भून गया है। अब हम इसमें चना की दाल डाल देते हैं। आप चाहें तो ये सब्जी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन दाल को गलाने के लिए कुकर अच्छा रहता है, कुकर में दाल जल्दी गल जाता है। अब हम इस तरह से दाल को भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। एक चम्मच धनिया पाउडर है ये हम डाल देंगे, जरा सा लाल मिर्च पाउडर है, आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है जिसे हम थोड़ा सा पहले भी नेनुआ में डाले थे, ये नमक है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इस तरह से सारी चीजों को मिला लेंगे एक से दो मिनट के लिए, इसे हम भूंजेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो देखिए दोस्तों ये दाल अब भून गया है, सारी मसाला भी भून गया है। अब हम इसमें भुना हुआ नेनुआ डाल देते हैं। इस तरह से हम सारे नेनुआ को डाल देंगे। फिर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों सब्जी का कलर कितना सुंदर आ रहा है, बड़ा ही प्यारा सा कलर आया है इसमें। नेनुआ और चने की दाल एक साथ भून रहे हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। देखिए दोस्तों इसमें से तेल निकल रहा है, धीरे धीरे ये मसाला अब भून रहा है। अब हम इसमें एक कप पानी डाल देते हैं, क्योंकि नेनुआ में खुद भी पानी होता है, इसलिए इसमें हम ज्यादा पानी यूज नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से हम इसे चला लेंगे और इसे हम दो सीटी आने तक पकाएंगे। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं और इसे दो सीटी आने तक हमें पकाना है। तो देखिए दोस्तों इसमें अब सीटी लगने ही वाला है, अब ये थोड़ी देर में सीटी देगा। इसका दो सीटी हो गया है, अब हम कुकर बंद कर देते हैं, गैस बंद कर दिए हैं। अब ये कुकर को हम ठंडी होने देते हैं, फिर हम इसे खोलकर चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये कुकर अब ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं दाल गला है या नहीं।
हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये दाल बिल्कुल अच्छी तरह से 2 सीटी में पक गया है। बहुत अच्छी तरह से ये टूट रहा है और बड़ी ही अच्छी सब्जी बनी है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे और ना चाहे तो कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और बड़ी ही जल्दी, बड़ी ही कम टाइम में ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही कम मसालों में ये सब्जी को हम बनाए हैं। आप भी इस ट्रिक से सब्जी बनाकर जरूर देखें, बड़े और बच्चे सभी को बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है।